शामिल है। ये दस्तावेज मेरे सामने है, ये दस्तावेज है। एक एक चीज का राजनीतिक पोस्टमार्टम इनका करें, इनका झूठ का। इन्होंने कह दिया कि जमीन नहीं दिया गया, इन्होंने कह दिया कि सरकार ने गंभीर नहीं है इस सवाल पर। रक्सौल हवाई अड्डा, चलिए इनका रक्सौल हवाई अड्डा समाहरणालय पूर्वी चंपारण मोतिहारी के पत्रांक 296 दिनांक 26/5/2022 द्वारा हवाई अड्डा रक्सौल के निर्माण हेतु 152.775 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर दाखिल खारिज कर समर्पित कर दिया गया है। जैसे अयोध्या में नहीं शिला पूजन करते हैं, वैसे बेचारे रक्सौल में शिला पूजन भी नहीं किया। उनका शिला पूजन होगा ना भाई, वहां ईटा लगाइएगा ना, जमीन ले लिए तो वहां शिला पूजन कब कराइएगा अमित शाह जी। और जो अतिरिक्त जमीन मांगा है यह भी जानिए, उसके लिए विहित प्रपत्र राज्य सरकार को नहीं भेजा गया। जो परफॉर्मा होता है उसमें प्रपत्र में नहीं भेजा। जो भूमि अधिग्रहण के लिए का आवश्यक पूर्व शर्त है उसके लिए जो राशि आवंटित करना चाहिए वो केंद्र सरकार ने नहीं किया। अब प्रवचन दे रहे हैं कि टेक्सटाइल पार्क के लिए, रक्सौल हवाई अड्डा के लिए जमीन नहीं दिया गया। ये जमीन किसके लिए है? ये भाजपा के मुख्यालय खोलने के लिए है, आरएसएस का ऑफिस खोलने के लिए है, दंगा फसाद कराने का ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए है, ये क्या है? ये हम जानना चाहते हैं आपसे कि ये अगर जमीन दिया गया तो अब तक कार्यारंभ क्यों नहीं हुआ है? खाता खसरा नंबर सहित है कि जो हमने टेक्सटाइल पार्क के लिए जमीन दिया है, मौजा नंबर थाना नंबर सब है, पूरा खाता बही के साथ उपलब्ध है। हिम्मत है तो भाजपा का नेता कहे भी ये गलत है, क्योंकि जमीन से ये लोग का बहुत लगाव रहता है। नोटबंदी में बहुत जमीन खरीद लिया है सब, तब बताता नहीं है, इसलिए हम यह कहना चाहते हैं। और आप कहते हो कि दरवाजा बंद है, अरे जब तक निकले तब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार की सत्ता का दरवाजा बंद है। अलीगढ़ का ताला लगा हुआ है, कितना भी लगाओगे वो खुलेगा ही नहीं। जब तक नीतीश कुमार जी इस बिहार की धरती पर है, और हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं, अमित शाह जी 2015 के विधानसभा चुनाव महागठबंधन के नेतृत्व में लड़ा गया था, नरेंद्र मोदी डीएनए का सवाल उठाते थे, 23 महीना में डीएनए कैसे ठीक हो गया था, कैसे 23 महीना में नतमस्तक हुए नीतीश कुमार के दरबार में, हुजूर जान बचाइए हम सत्ता में आपके साथ रहना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। और बेचैनी में है, बेचैनी इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में जो महागठबंधन बना उसमें अलग थलग पड़ गई, कोई भी उसका राजनीतिक सहयोगी बनने को तैयार नहीं है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं, नंबर वन, कि वाल्मीकि नगर जो खूबसूरत पर्यटन स्थल है, जहां व्याघ्र परियोजना के लिए अगर उसको बेस्ट अवार्ड मिला तो अमित शाह जी आप तो चीता युग वाले हैं, चीता लेके क्यों नहीं आए? कम से कम चीता लेके आते। पटना की सभा में आपने स्वामी सहजानंद सरस्वती को नीतीश कुमार की संगति का असर होना चाहिए था कि नीतीश कुमार जी ने जो सम्मान दिया आदरणीय गृह मंत्री जी, लज्जा लगता है आप शर्मसार इस बात के लिए होते हैं कि आजादी की लड़ाई में हमने भाग लिया नहीं। तो आजादी की लड़ाई के लड़ने वाले नायक स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत रत्न की वकालत कैसे करें, हम उनको कैसे दें? क्योंकि आपको आजादी की लड़ाई से तो कोई लेना देना नहीं है, और वह स्वतंत्रता सेनानी थे। तीसरा प्रश्न हम यह जानना चाहते हैं कि रक्सौल और टेक्सटाइल पार्क के बारे में जो आपने फर्जी बातें कही,
कहा कि जमीन उपलब्ध नहीं हुआ है, जमीन का खाता खसरा नंबर हमने सार्वजनिक किया है और आपने अब तक शिला पूजन उस पर नहीं किया है। आप गुनाहगार हैं, आपके मन में ईर्ष्या है कि बिहार के विकास की पटकथा नहीं लिखी जाए। अब पैकेज उपज के बारे में तो सब मुख्यमंत्री जी बता दिए कि पैकेज इनका कितना है, कई बोलने में लंबा समय लग जाएगा, इसलिए हम केवल और जंगल राज, जंगल राज में तो आंकड़ा बता रहा है। 22 जब एनडीए की सरकार थी, जब अगस्त से अक्टूबर 2022 तक जब महागठबंधन की सरकार है, अपराध में कमी आई, ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं। लेकिन खोबिया पकड़े हुए हैं इनको, इन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री बनाया। हिम्मत है अमित शाह, देश के गृह मंत्री आप हैं, रामायण या गीता पर हाथ रख के बोलिए कि क्या यह सही नहीं है कि 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी ने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, लेकिन आपने फोन करके और आपके आका आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन किया कि नीतीश कुमार जी आप ये जिम्मेवारी लीजिए, आपके नेतृत्व में चुनाव हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी इसके साक्षी हैं कि भारत सरकार के मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी एक अन्य मार्ग में, जहां एनडीए विधायक दल की बैठक हुई, जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता चुने गए, सुशील जी को जिम्मेवारी से हटाया गया और वहां तारकिशोर जी और रेणु जी को जिम्मेवारी दी गई, क्या उस मीटिंग में आपने नहीं कहा था कि नीतीश कुमार जी आपके नेतृत्व में सरकार बननी चाहिए चूंकि आपके नेतृत्व में चुनाव हुआ है। तो आदरणीय अमित शाह जी राजनीति में इस स्तर पर आप पहुंच गए कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई घोषणा किए गए संवाद कि मुख्यमंत्री का आप दायित्व संभालिए, राजनाथ सिंह के द्वारा सदन के एक अन्य मार्ग में दिए गए मंतव्य उससे इतर मंतव्य दे रहे हैं, उससे अलग होकर के मंतव्य दे रहे हैं, ये कौन सी मानसिकता आपकी है? राजनीति में इतनी बेचैनी किस बात के लिए हो गई? और हम उम्मीद यह करते थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप इस बात की घोषणा करते, आपसे बड़ा किसानों का दुश्मन कौन हो सकता है बिहार का, जिस बिहार पूर्वी भारत में हरित क्रांति के लिए 2010-11 से एक योजना प्रारंभ की गई थी, जिसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, असम और छत्तीसगढ़ था। 2020-21 से इन लोगों ने 21-22 से योजना बंद कर दिया, हरित क्रांति की उप योजना को इन लोगों ने बंद कर दिया और ये किसानों के बड़े हितैषी हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि छोटे और सीमांत किसानों के लिए आपने घोषणा किया था चुनावी घोषणा पत्र में कि उनको पेंशन का लाभ दिया जाएगा, वो पेंशन का लाभ कब मिलेगा? जंगल राज में तो आंकड़ा बता रहा है कि अपराध के दर में कमी आई है, तो आपके दिमाग में अगर जंगल बैठ गया है, अगर राजनीतिक जंगल के आप शिकार हो चुके हैं माननीय अमित शाह जी, तो ये बिहार की धरती है, यहां चीता नहीं लाने के लिए माफी मांगिए, हरित क्रांति की उप योजना के लिए माफी मांगिए, माफी मांगिए इस बात के लिए आप कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का आपने कार्यक्रम किया लेकिन उनके सम्मान में कोई भी देश स्तर पर उनको सम्मान मिले इसकी कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं किया। और चौथी बात, आदरणीय अमित शाह जी जब तक नीतीश कुमार जी हैं तब तक भाजपा का बिहार में सत्ता के लिए दरवाजा बंद है, हार में हल्दी लगा है तो हमारे चलते लगा है, न तो आपको बोहनी पर भी आफत है इस राजनीति के दौर में। और हम यह अंतिम रूप से कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी का ये बिहार है तो अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद जितने राजनीति के उनके स्टेपनी हैं, सबको नीतीश कुमार जी ने जब फैसला लिया, जब इतने हम कमजोर हैं, जब हमारे बारे में आप बोलते हैं कि इनकी कोई वक्त नहीं है, तो बिहार आने की जरूरत आपको क्या पड़ती है? 12 बार 16 बार नीतीश कुमार जी का नाम ले रहे हैं तो राजनीति हमारे इर्द गिर्द
हमारे नेता का घूम रहा है जब से महागठबंधन बना है, इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि अगर राजनीति में नैतिकता है भारतीय जनता पार्टी में, तो भाजपा बिहार के नेता यह भी बोले कि क्यों नहीं हिम्मत किया स्वामी सहजानंद सरस्वती को पुरस्कार दिलाने का, क्यों नहीं इस बात के लिए कहा कि अनुसूचित जनजाति की थारुओं की बेटी को नीतीश कुमार जी ने जो सम्मान दिया था उस सम्मान को की चर्चा उन्होंने क्यों नहीं किया, वाल्मीकि नगर पर्यटक केंद्र बना इसकी चर्चा क्यों नहीं किया, बल्कि केवल नकारात्मक बातें करते रहे। तो नीतीश चालीसा पढ़ते रहिए, बिहार की जनता का राजनीतिक इलाज करती रहे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।